हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सनाइट के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। पंजाब हाउस में नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास, एहसन इकबाल की फैजाबाद धरने और मुजाकरात से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग, हल्का बंदियों से मुतालिक बिल पर भी मुशावरत। बहुत सी बातें हैं मगर एक दो रोज बात करूंगा, नवाज शरीफ की सहाफियों से गुफ्तगू। मरियम नवाज बोली के मियां साहब के होते हुए बात नहीं कर सकती। कल धरने में 1000 रुपए तकसीम किए गए, फरिश्ते भी उतरते रहे, सहाफी का कैप्टन ऑफ द रिटायर्ड से सवाल, महफिल के आखिर में नजराना भी तो होता है, सिर्फ आसमानी फरिश्तों पर यकीन रखता हूँ, जमीनी फरिश्तों पर नहीं, नवाज शरीफ के दामाद का जवाब। और ये आखिर में तो होता है ना, मैं तो अल्लाह के फरिश्तों पे ईमान लाया हूँ, मैं तो इन फरिश्तों को नहीं मानता। धरना खत्म होने पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अवाम ने सुख का सांस लिया। मुल्क ऐसे हालात का मोतमिल नहीं हो सकता, ये हालात अफसोसनाक हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो आवाम है उसने सुकून का सांस लिया, लॉ मिनिस्टर को जाना पड़ा, तो मेरे ख्याल में इस पूरी एपिसोड से भी सीखना चाहिए, मुल्क इस तरह के हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर कानून मुस्ताफी धरना क्यादत ने फैजाबाद खाली कर दिया, मेट्रो बस सर्विस बहाल, आंसू गैस के शेल, सड़कों पर पड़े पत्थर और टूटा फूटा मेट्रो स्टेशन एहतजाज के बायस होने वाले नुकसान की गवाही दे रहा है। लाहौर में पंजाब असेंबली के सामने और बाबू साबू पर धरना जारी, राणा सनाउल्लाह से मुस्ताफी होने का मुतालबा, पंजाब में तालीमी इदारे आज भी बंद। नून लीग की हुकूमत एहतसाबी कवानीन को कमजोर करना चाहती है, हुक्मरान पैसा लूट रहे हैं, इमरान खान का इल्जाम, कहा चीन में करप्शन पर सजा हो तो लोग खुदकुशी कर लेते हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खुलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नैब की अपील पर समाअत आज होगी, जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच समाअत करेगा। कादरी का वतन वापसी के सिलसिला तोड़ने का मुतालबा, कहा जो हुकूमत पार्लियामेंट में मसाइल हल नहीं कर सकती इसे इक्तदार में रहने का हक नहीं। इनका मुआवजा किया और मुआवजा इतना सख्त हुआ कि इनकी चोरी और इनकी डाका जनी पकड़ी गई, पूरी दुनिया में ये जलील और रुस्वा हुए, बच्चा बच्चा इनका जलील और रुस्वा हुआ। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत, फैसला 5 दिसंबर को सुनाया जाएगा। वजीर आजम की सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वलीद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, आर्मी चीफ वजीर खारजा भी शरीक, दो तरफा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर आसिम का नाम ECL से निकाला, सुप्रीम कोर्ट बरहम, डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेकर आगाह करने की हिदायत, कुछ लोगों को हुकूमत बिल्कुल ही भूल जाती है, शख्सियात के हिसाब से मयार मुख्तलिफ है, इस्फाई जीसा के रिमार्क्स। शाहजेब कत्ल केस में नया मोड़, मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई और दीगर 3 मुलजिमान की सजाए मौत का लदम, सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफा खत्म कर दी, केस असरे 9 समाप्त के लिए सेशन कोर्ट भेज दिया गया, 25 दिसंबर 2012 को शाहजेब को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया।
था। सियालकोट में गैपको ऑफिस के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग, ड्यूटी पर मामूल सब इंस्पेक्टर हुसैन चाबहक। कराची के इलाके मोमिनाबाद में जिरगे के हुक्म पर जोड़े के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुदैयत में दर्ज, 9 मुलजिमान नामजद। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने मक्तूलीन की लाशें बरामद की थी।